तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग घन के बारे में सीखेंगे, या कि घन होता क्या है, घन कैसे निकाला जाता है, कैसे पता करेंगे कि जो घन है वो पूर्ण घन है कि नहीं है। बस दो तीन कोई चीज है यही बताएंगे, और ये क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो क्लास 8 के जितने भी लड़के लड़की है, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग हेडिंग के मतलब समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज जो है घन के बारे में पढ़ेंगे, और घन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। घन जो होता है ना, घन घन के मतलब होता है वैसी संख्या, चाहे वैसी वस्तु जिस संख्या को उसी संख्या से तीन बार गुणा किया जाए। ठीक है, वैसी संख्या जो उसी संख्या से कितने बार गुणा की जाए, तीन बार गुणा की जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं घन। जैसे मैं देखिए, जैसे कोई आपसे पूछे कि दो का घन बताइए, दो का घन बताइए, तो दो का घन का मतलब क्या हुआ कि दो को जो है को बार गुणा करेंगे, तीन बार, यानी दो के पावर तीन, या दो के क्यूब बोल सकते हो। इसका मतलब हुआ कि दो गुने दो गुने दो। देखो, वैसी संख्या से जो संख्या उसी संख्या से कितने बार गुणा किए, तीन बार, यदि एक दो तीन, तीन बार गुणा किए, और तीन बार गुणा करने को प्राप्त गुणनफल को हम बोलेंगे घन। देखिए, गुना कीजिए, दो दो नी चार, चार दो नी आठ, तो हमारा जो दो का घन है कितना होगा, आठ होगा। उसी तरह जैसे तीन का घन बताना हो, तो तीन का घन का मतलब क्या हुआ, तीन बार गुना, तो तीन जो है कितने बार गुना करेगा, तीन बार, लिखेंगे तीन गुने तीन गुने तीन, और तीन में तीन से गुना करो, तीन त्री का नौ, नौ त्री सत्ताईस, तो ये हमारा हो गया सत्ताईस। ठीक है, उसी तरह अगर चार के घन पूछा जाए, तो चार का घन का मतलब क्या होता है, तीन है गुने चार गुने चार गुने चार, लेकिन चार गुने चार गुने चार बराबर, और देखो चार में चार से मिलाकर चार चौका सोलह, सौ चौका चौसठ, लिखेंगे चौसठ। इसी तरह पांच छ सात आठ नौ दस, जितना हो सके उतना निकाल सकते। जैसे मैं अब निकाल रहे हैं, जैसे मान लो नौ का घन निकालना हो, ठीक है, तो नौ का घन का मतलब क्या हुआ कि नौ कितना गुना करेंगे, तीन बार, नौ गुने नौ गुने नौ, अब नौ में नौ से गुना करेंगे नाना वहां इक्यासी, तो इक्यासी हो गया। ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे डिटेल से बना दो, नाना वहां इक्यासी और गुने कितना हो जाएगा नौ, और देखो एक में नौ से गुना करेंगे तो नौ, और नौ आठ है बहत्तर, यानी सात से कितना होगा उन्तीस। तो अगर कोई पूछे कि नौ का घन बताइए, तो सात सौ उन्तीस हो गया। उसी तरह कोई कितने भाई पूछे, जैसे पच्चीस का घन कोई पूछे, तो पच्चीस का घन का मतलब क्या होगा, तीन हाली गुना पच्चीस गुने पच्चीस गुने पच्चीस, ठीक है, और पच्चीस में पच्चीस से गुना करेंगे, हम लोग जानते हैं पच्चीस में पच्चीस से गुना करो तो कितना होता है छः सौ पच्चीस, और छः सौ पच्चीस में कितने गुना करेंगे पच्चीस से, तो छः सौ पच्चीस में पच्चीस से गुना करो, तो नहीं अगर आता है तो आप लोग ऐसे गुना कर सकते हैं, छः सौ पच्चीस ऊपर और पच्चीस लिखकर नीचे, तो पाँचा है पच्चीस के पाँच, हारसी दो, पाँच में दस दो बारह के दो, हारसी एक, पाँच छत्तीस से खर्ची लिया एक तीस गुने दोपहर से दस के जीरो, हारसी एक, दो दो नी चार खर्ची लिया पाँच, दो छः बारह, अब जोड़ दो पाँच के पाँच, जीरो में दो जोड़ेंगे दो पाँच एक छः, तीन दो पाँच एक एक, पंद्रह हजार छः सौ पच्चीस, यहाँ पर लिख सकते हैं पंद्रह हजार छः सौ पच्चीस। ठीक है, तो यह तो हो गया घन कैसे निकाला जाता है। तो इसी तरह जो है आप लोग पचास का घन निकाल लीजिएगा और उसको याद कर लेना। कोई पूछ सकता है कि पाँच का घन कितना होता है, तीन का घन कितना होता है, तो मान लो याद रहेगा तो मैं बता पाइएगा आप लोग। तो कितनों की संख्या दिया जाए, घन अगर पूछ रहा है इसका मतलब उसको उसी संख्या से तीन हाली गुना कर दीजिए। जैसे मान लो चार का घन पूछे, तो चार का जो है तीन बार गुना करेंगे, चार गुने चार गुने चार तो चौसठ, तो कोई पूछे कि चार का घन कितना होता है चौसठ, नौ का घन कितना होता है सात सौ उनतीस, दो का घन कितना होता है आठ, पाँच पच्चीस का घन कितना होता है तो पंद्रह या छः सौ पच्चीस। तो यह तो हमारा हो गया घन निकालने का विधि। अब जो है हम जांचेंगे कैसे पता चलेगा हमको कि जो संख्या दिया है ये पूर्ण घन है कि नहीं है। पूर्ण घन का मतलब होता है कि अगर उसको हम एलसीएम निकाल रहे हैं, चाहे आभास पूर्णघन विधि से उसको बना रहे हैं, तो कम से कम तीन तीन होगा जोड़ा लगना चाहिए। कितना होगा, तीन तीन होगा। जैसे मैं दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो है, अगर इस संख्या में पूछा जाए क्या पूर्ण घन है, तो हम लोग कहेंगे नहीं है, क्योंकि घन का मतलब होता है तीन होगा जोड़ा। अगर हम तीन तीन होगा जोड़ा लगा रहे हैं तो एक्स्ट्रा हम क्या मिल गया दो, इसका मतलब पूर्ण घन नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह पर अगर दो गुने दो और रहता, तो देखो
तीन को का जोड़ा लग गया अभी और तीन को का जोड़ा अभी लग गया, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि गुणनफल है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट, जैसे मान लो दो गुणे पांच, तो दो है, तीन नहीं है, तीन तीन को का जोड़ा लगाना है, लेकिन पांच तीन है, इसको तीन तो जोड़ा लग गया लेकिन यह जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए गुणनफल नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, जैसे मान लो नौ गुने दस, ऐसे है, समझ लीजिए। ऐसे नौ का जोड़ा लगा रहे हैं तीन तीन का, लग गया ना, इसके मतलब हम इसको कह सकते हैं कि गुणनफल है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझा रहे हैं, जैसे मान लो चौंसठ है, चौंसठ का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, आभास गुणनफल विधि से। तो ऐसी संख्या जिसका अंक में जीरो दो चार छ आठ रहता है तो दो से विभाजित होता है, इसका अर्थ में क्या है चार है, इसका मतलब दो से लग जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दो दो तीन छ दो दूनी चार, फिर अब लास्ट में क्या है दो, इसका मतलब दो से लग जाएगा, दो एक कम दो, और तीन में से दो गया एक बचा, दो एक के पास चलेगा तो बारह बन जाएगा, दो छ बारह, फिर दो से आठ दूनी सोलह, फिर दो से दो चौका आठ, फिर दो से दो दूनी चार, फिर दो से दो एक एक, अब एक जब आ गया तो इसको छोड़ दो, अब हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए चौसठ बराबर दो का वो है छ है, दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो, और देखो तीन तीन को जोड़ा लगा घर का मतलब होता है तीन तीन को जोड़ा लगाना, अब देखिए जोड़ा लग गया ना, तो उसको हम कह सकते हैं इसलिए चौसठ जो होगा एक पूर्ण घन होगा, एक पूर्ण घन है, ठीक है। उसी तरह कोई प्रश्न पूछ ले लीजिए, जैसे हम निकाले हैं 729, तो कोई पूछे कि क्या 729 एक पूर्ण घन है, ठीक है। कोई प्रश्न पूछे कि क्या 729 एक पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन कब होगा, सबसे पहले हम उसका आभास गुणनखंड से एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद हम तीन तीन को जोड़ा लगाएंगे, अगर जोड़ा लग गया इसका मतलब पूर्ण घन है, अगर जोड़ा तीन तीन को नहीं लग रहा इसका मतलब पूर्ण घन नहीं है। देखिए देखते हैं, तो सबसे पहले हम 729 का जो है आभास गुणनखंड से एलसीएम निकालेंगे, तो देखो लास्ट में 9 है, इतना दूसरा नहीं लग सकता है, या 3 से लगेगा ना तो दूसरा से 10 लगेगा, तो ट्राई करते हैं, 3 दूनी 6, 7 में 6 गए 1, 2 के पास जाएगा 12, 3 चौ का 12, 3 3 का 9, इसका मतलब 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगा दें, 3 दूनी 6, अब 7 में 6 गए 1 बचा, 1 2 के पास चल गया 12 बन गया, 3 चौ का 12, 3 3 का 9, फिर 3 से लग जाएगा, 8 3 का 24, 3 एक 3, फिर 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2 बचा, एक के पास चल गया 21 बन गया, 3 सत्य 21, 3 से 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एक 3, और लेकिन इसलिए 729 है तो 729 बराबर 3 को गए 6 गए, लेकिन 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, अब घर का मतलब क्या होता है तीन तीन को जोड़ा लगाना, अब तीन तीन को जोड़ा लगा रहे हैं तो देखिए जोड़ा लग गया ना, तो हम इसको कह सकते हैं इसलिए 729 एक पूर्ण घन है, ठीक है। ये वो लास्ट पार्ट समझा रहे हैं आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो 3 नंबर दिया रहे कि क्या 25 एक पूर्ण घन है, ठीक है, क्या 25 एक पूर्ण घन है, तो सबसे पहले 25 का हम क्या निकालेंगे, आभास गुणनखंड विधि से एलसीएम, लेकिन 25 तो 5 से लगेगा, 25 5 एक 5, और देखिए 5 दो है तो लिखेंगे इसलिए 25 बराबर 5 गुने 5, और देखिए 25 जो है तीन तीन का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसके मतलब हम कह सकते हैं कि 25 जो होगा एक पूर्ण घन नहीं होगा, एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। इसी तरह बहुत संख्या है, लगभग बहुत संख्या, कोई भी संख्या को अगर कोई पूछे कि आप 10 का घन बताइए, 10 का घन का मतलब क्या हुआ कि 10 जो होगा वो तीन बार गुना करेंगे, 10 गुने 10 गुने 10। कोई पूछे 16 का घन बताइए, तो 16 को उसी संख्या से तीन बार गुना करेंगे, 16 गुने 16 गुने 16, इसको गुना करने की वजह से आंसर आएगा हमारा घन होगा, ठीक है। 50 का कोई घन पूछे तो 50 को तीन बार गुना करेंगे, 50 गुने 50 गुने 50 गुने 50। अब रहा बात एथिका, कम से कम
कोई संख्या दिया रहे और कोई पूछे कि पूर्ण घन है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना, कोनो संख्या दिया हुआ है उसका सबसे पहले अभाज्य पूर्णफल विधि से एलसीएम निकालना, निकालने के बाद उसको क्रम से सजा देना, सजाने के बाद क्या करना उसको तीन तीन गो का जोड़ा लगाना, अगर जोड़ा लग गया इसके मतलब वो पूर्ण घन है, अगर जोड़ा नहीं लग रहा है तो पूर्ण घन नहीं है। तो यह जो है क्लास एक का जो बेसिक है यह बताए, अब की जो वीडियो बनेगा वो 6.1 का जो है प्रश्नावली में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।